एएम और पीएम तो आपने देखे ही होंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये दोनों शब्द एएम और पीएम सनातन धर्म से चुराए गए हैं। देव भाषा संस्कृत में दोनों शब्दों के क्या अर्थ हैं, इनकी व्याख्या क्या है, यदि आप यह सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, समय सूचक एएम और पीएम का उद्गम भारत ही था, लेकिन हमें बचपन से यह रटाया गया, यह विश्वास दिलाया गया कि एएम का अर्थ होता है एंटी मेरिडियम और पीएम का अर्थ होता है पोस्ट मेरिडियम। एंटी अर्थात पहले, लेकिन किसके? पोस्ट अर्थात बाद में, लेकिन किसके? यह कभी नहीं बताया गया कि ये चुराए हुए शब्द हैं। जी हाँ, ये चुराए गए शब्दों का लघुतम रूप है। हमारी देव भाषा संस्कृत ने इस संशय को दूर किया। आइए देखते हैं कैसे। एम अर्थात आरोहणम मार्तंडस्य, पीएम अर्थात पतनम मार्तंडस्य। मार्तंडस्य का अर्थ होता है सूर्य, जो कि हर आकाशीय गणना का मूल है, उसी को गौण कर दिया। अंग्रेजी की ये शब्द संस्कृत के उस वास्तविक अर्थ को इंगित नहीं करते। आरोहणम मार्तंडस्य यानी सूर्य का आरोहण अर्थात चढ़ाव, पतनम मार्तंडस्य अर्थात सूर्य का ढलाव। 12 बजे के पूर्व सूर्य चढ़ता है, अर्थात जिसे हम कहते हैं आरोहणम मार्तंडस्य यानी कि एएम। 12 बजे के बाद सूर्य ढलाव करता है, जिसका अर्थ है पतनम मार्तंडस्य यानी कि पीएम। पश्चिम के प्रभाव में रमे हुए और पश्चिमी शिक्षा पाए कुछ लोगों को भ्रम हुआ कि समस्त वैज्ञानिकता पश्चिमी जगत की देन है। हम अपनी हजारों साल की समृद्ध विरासत, परंपराओं और संस्कृति का पालन करते हुए भी आधुनिक और उन्नत हो सकते हैं। इससे शर्मिंदा ना हो, बल्कि इस पर गौरव की अनुभूति करें और केवल नकली सुधारवादी बनने के लिए इसे नीचा ना दिखाएं। समय निकालें और इसके बारे में पढ़ें, समझें, बात करें, जानने की कोशिश करें, अपने सनातनी होने पर गौरवान्वित महसूस करें।